हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम मानो किचन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। ठंडी बहुत है तो इसीलिए हम लाए हैं अपने किचन में एक रेसिपी। आइए देखते हैं, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू, यानी कि ये तिल और अलसी के लड्डू हैं। गुड़ वगैरह डाल के बनते हैं। देखिए आप, सर्दियों में ये बहुत गर्म होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए वीडियो। सो लेट्स गो। तो देखिए, हमने लिया है 100 ग्राम लिए हमने तिल और अलसी। ये जो ब्लैक ब्लैक ये अलसी होती है, आपको कहीं भी इजीली मिल सकती है, जो किराना स्टोर होते हैं वहाँ। यहाँ हमने लिया है इतने ही क्वांटिटी में, हमने तिल लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो आपके पास अवेलेबल हो घर में। जो हमारे पास रखे थे हमने वही ले लिए थे, और कुछ हमने मखाने लिए थे एक कटोरी में। तो आप तीनों की क्वांटिटी एक ही रखें, जैसे कि तेल और क्या बोलते हैं ये है अलसी। तो हम पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें हल्की सी रोस्ट कर लेंगे इन सब चीज़ों को। पहले हम लोग अलसी को रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम तिल को कर लेंगे। इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे चम्मच से फ्रेंड्स, क्योंकि ये नीचे से लग जाती है इसलिए। और हम इसमें घी वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इसको सिंपल तरीके से भूनेंगे बिना बिना घी के, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं, हाथों में पैरों में दर्द होता है, तो उसके लिए घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देख सकते हैं हम कि ये हल्की हल्की सी भुनने लगी है। तो जैसे कि भुन रही है, जब तक प्लीज़ मेरी वीडियो फुल ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अब इसी तरीके से हम तिल को भी भून लेंगे हल्का सा, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि सर्दियाँ आती हैं, सर्दी में बहुत अच्छा अच्छा खाने का मन भी करता है, क्योंकि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे बना के डब्बे में रख सकते हैं इसको आप, ये ख़राब भी नहीं होते हैं, 1-2 महीने तक इसको आराम से आप खा सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से हम जैसे अलसी को हमने रोस्ट किया था, इसी तरीके से हम तिल को भी रोस्ट करेंगे। और फिर हम इसका ग्राइंडर में, इसको मिक्सर में इसको पीस लेंगे हम उसके बाद। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही चम्मच चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे से लग जाएगी कढ़ाई में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, वो आपको पसंद आए, आपके पास जाएँ। तो देख सकते हैं दोनों हमने क्या कहते हैं ये कर लिए हैं, करीबन ये भी हो चुकी है। मैं अब गैस को कर दूंगी बंद और इसको हल्का सा ठंडा कर लूंगी। उसके बाद मैं इसको, कलर देखिए इसका चेंज होने लगा है, पिंक पिंक कलर हो गया है इसका। तो हमें इसी तरीके से पिंक कलर का लेना है बस, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लूँगी, तो प्लेट में निकाल, और अब मैं इसको ठंडा करने के बाद पीस लूँगी अलसी को भी और तिल को भी, दोनों चीज़ों को मैं पीस लूँगी। अब मैं फिर से एक कढ़ाई रख रही हूँ, वही वाली कढ़ाई जिसमें मैंने दोनों चीज़ें रोस्ट की थी। अब इस जो हल्का सा, इसमें मैंने देसी घी डाला है 2 छोटे चम्मच, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स, यानी कि इसको हल्के से रोस्ट कर लूँगी और फिर हम इसको क्रश करके डाल देंगे। आपको अगर पीसना चाहते हैं तो आप उसके साथ आप पीस भी सकते हैं जो अलसी, और वो पाउडर भी बना सकते हैं इसका, ये चॉइस है आपकी, जैसा आप करना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे। तो देख सकते हैं इसको हल्का सा रोस्ट, इसमें घी वगैरह ज़्यादा नहीं जाता है, नॉर्मली थोड़ा बहुत घी लगता है इसमें, और ज़्यादा घी के भी नहीं होते हैं ये। तो देख लीजिए ये रोस्ट हो रहा है, इसका भी कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल के साइड में कर लेंगे, देखिए क्रश क्रंची क्रंची हो जाए। और गैस को स्लो ही रखिएगा आप लोग। तो देखिए, तो ये पिसने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी, मैंने पहले भी आपको दिखाया था ये पिसने से पहले कैसी थी और पिसने के बाद कैसी है। ये इस तरीके से हम लेंगे पीस के, और हम देखिए पिसने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तिल को पीसेंगे,
जैसे कि तिल को पीस लेंगे, उसको भी ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे, करने के बाद ही पीसेंगे हम। तो अभी हमने ऐसी प्लेट में पीस के रख ली है, तो ये आज ये भी पीस गई है। अब देखिए वही कढ़ाई लेंगे हम दोबारा से, फिर से, यानी कि हमने ये कढ़ाई तीसरी बार यूज़ करी है। अब गुड़ डालेंगे। सॉरी गाइस, मैंने गुड़ बताना भूल गई थी आपको। मिठास के लिए तो ऑब्वियसली हम गुड़ ही डालेंगे, क्योंकि सर्दी है तो इसलिए हम गुड़ डाल रहे हैं और चीनी नहीं यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शनल है, अगर आप चीनी डालना चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने 250 ग्राम लिया है या 250 ग्राम गुड़। तो ज़रा सा घी डाल के और इसमें हल्का सा पानी डालूंगी मैं, यानी कि आधा कप, आधे कप से भी कम डाला है मैंने पानी बस। तो अब बस अब मैं इसको गैस को स्लो कर दूंगी और इसका गुड़ मेल्ट होने तक मैं इसका वेट करूंगी। उसके बाद ये सारा सामान गुड़ के अंदर ही जाएगा, उसके बाद ही बाइंडिंग होगी ना इन लड्डू की, तो गुड़ से ही होगी। आप मिठास अपने ऊपर अगर आपको डालना है, मीठा ज़्यादा खाते हो आप लोग, तो आप ज़्यादा गुड़ ले सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट होने लगा है यहाँ, तो हम चलाते भी रहेंगे साथ के साथ, ताकि ये गुड़ नीचे से लगना नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो देखिए गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो देखिए ये हो चुका है, अब बिल्कुल मेल्ट हो गया है गुड़। अब सब चीज़ मिला के हमने जो जो पीसा था, तो क्रश करके हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए थे इसी में, और अब ये सब चीज़ इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमने मिक्स कर दी है ये सारी चीज़ें। अब गैस की फ्लेम को हमने स्लो ही रखा है, अब इसको सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मिक्स कर लिया है हमने, ये अच्छे से बाइंड होने लगेगा। अब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है और कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे, बस ये अच्छे से बाइंड हो जाए। तो यहाँ देखिए लाइट चली गई थी एकदम से बनाते बनाते, तो फिर हमने जलाई फ्लैश लाइट, तो सही करा हमने। तो अब देख सकते हैं ये अच्छे से बाइंड होने लगा है। आप देखिए, आप अपने हाथ पे हल्का सा घी लगा के इस तरीके से इसको शेप दे के आप देख सकते हैं एकदम से कितना अच्छे से बाइंड होने लगा ये। और अब इसकी इसी तरीके से आप गोल गोल शेप में इसके लड्डू बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप सिंपल से इजी तरीके से बना सकते हैं। और एक प्लेट में अलग से तिल रख लिया, आप उस ऊपर से इसे कोटिंग करना चाहें तिल से तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और ऐसे ही हमें दुआ में याद रखिएगा, ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकें। अगर आपको कोई भी सर्दियों से रिलेटेड रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे लड्डू बना लेने हैं, हमें सारे लड्डू में बना लेने हैं ये। तो ये रेडी हैं हमारे लड्डू।